नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हो या मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो 100 गुना इम्पोर्टेंट है। कितना? एक गुना नहीं, 100 गुना। क्योंकि मैं जो आपको नॉलेज देने वाला हूँ ना, वो नॉलेज आपके पेरेंट्स कभी नहीं देंगे, आपके टीचर्स कभी नहीं देंगे, और आपके फ्रेंड्स को तो ये सब चीज़ें शायद पता भी नहीं होगी। तो आपका ये लाइफ चेंजिंग वीडियो बन सकता है, इसलिए आप पेशेंस के साथ ध्यान रखना और सुनना। देखो, हमारे में से काफ़ी लोग जॉब करते हैं, ठीक है। जॉब करने में क्या होता है कि हमको एक लिमिटेड सैलरी मिलती है, भले फिर आपको वो सैलरी 20,000 की मिले, 50,000 की मिले, 1,00,000 की मिले, ठीक है। मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्पेशली लोअर मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास से आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे सैलरी लिख रहा हूँ। अब ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको जो सैलरी मिलती है उस पर जो इंक्रीमेंट होता है वो शायद इस तरीके से आता है इंक्रीमेंट, और वो इंक्रीमेंट का एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि जो महंगाई है, जिस तरह से पेट्रोल प्राइजेस है, जिस तरह से ईएमआई के खर्चे हैं, जिस तरह से रेंट के खर्चे हैं, दूसरी महंगाई है, उसमें वो चला जाता है। अल्टीमेटली एक बंदा है कि जो 20-30 साल जॉब करेगा तो उसको मेंटली लग सकता है कि वो आगे आया, पर शायद लाइफ का काफ़ी सारा प्रॉब्लम हफ्ते भरने में निकल जाएंगे, दूसरे सारे खर्चे करने में निकल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर जॉब है ना, जॉब वो कभी भी वेल्थ नहीं बना सकती। जॉब और वेल्थ ये दोनों का कोई रिलेशनशिप्स नहीं है, ये ज्ञान में रख लेना ये चीज़, ठीक है। हमेशा अगर कोई लोअर मिडिल क्लास में है, कोई मिडिल क्लास में है और उसको नेक्स्ट स्टेज में जाना है कि भाई रिच क्लास अचीव करना है, कि एक वेल्थ क्लास अचीव करना है, ठीक है, तो उसके लिए दो ऑप्शन है। एक होता है बिजनेस करो और एक होता है स्टॉक मार्केट में जाओ। वैसे स्टॉक मार्केट भी एक तरह का बिजनेस ही होता है, ये दोनों आपस में एक से कनेक्टेड होता है। तो एक होता है बिजनेस और एक होता है स्टॉक मार्केट। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या हमारे पास चॉइसेस और ऑप्शन अवेलेबल है अगर किसी बंदे को लोअर मिडिल क्लास या तो मिडिल क्लास से माइग्रेट होके रिच या वेल्थी क्लास में जाना है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल भाषा में, जो ये क्लास में जो इनसिक्योरिटीज होती है पैसों के लेके, वो हमें दूर करनी है। हमारा गोल ये है कि हेल्दी वेल्दी लाइफ जिए, ठीक है। और एक मेजर रीज़न कि काफ़ी सारे लोग ये जनरेशन टू जनरेशन लोअर मिडिल क्लास या तो मिडिल क्लास की साइकिल में से बाहर क्यों नहीं आते, उसका भी हम आंसर नक्की करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेटर ओपन किया है जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि समझ लो कि कोई बंदा मंथली 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और समझ लो म्यूचुअल फंड या तो ETF, सिंपल कुछ कहीं ना कहीं वो सेविंग कर रहा है, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि एन्यूअली बस हमें 12% एवरेज रिटर्न मिल जाए, ज़्यादा नहीं, एन्यूअली 12%, 11-12%, ठीक है। तो समझ लो कि इस बंदे ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और उसने 20 साल तक इन्वेस्ट किया। कितना? 20 साल के लिए। तो करीबन करीबन 20 साल के बाद करीबन करीबन उसको कितना मिलेगा, तो ये रहा फिगर, 98.92 लाख। तो करीबन करीबन मैं मान लेता हूँ कि उसको 1 करोड़ मिल रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, 10,000 मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, 20 साल तक किया और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखी 12%, तो 1 करोड़ रुपये बन गए, ठीक है। अब देखना, अब उसके पास 1 करोड़ है, वो क्या करेगा, तो अब वो 1 करोड़ उठाएगा, ठीक है। और अगर वो 1 करोड़ अगले 20 साल तक अगेन वो रख दे, सिर्फ एक, अब कंट्रीब्यूट उसको नहीं करना है, अब ये 1 करोड़ की वेल्थ ही वो रख दे, और ये 1 करोड़ की वेल्थ समझ लो कि 10 साल तक यहाँ पे रख दे, वो भी 12%, कि चलो एनुअली 12% होता जाए, तो अगले 10 साल में उसको 1 करोड़ के कितने मिलेंगे, 3 करोड़ 30 लाख, 3 करोड़ 30 लाख, समझ रहे हो। अब वो 3 करोड़ 30 लाख यहाँ पे डाल दे 10 साल के बाद, 3 करोड़ 30, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और वो 10 साल के लिए रख दे फिर से 12% के लिए, तो उसकी वेल्थ हो जाएगी 10 करोड़,
तो पहले जो 20 साल थे, पहले 20 साल में वेल्थ हुई 1 करोड़, फिर नेक्स्ट 10 साल में वेल्थ हो गई 3 करोड़, और बाकी के नेक्स्ट 10 साल में वेल्थ हो गई 10 करोड़। पर ताज्जुब की बात आपने देखी कि ये बंदे ने किया तो सिर्फ सही एक ही चीज थी कि 10,000 रुपये पर मंथ इसने सिर्फ डाला था 20 साल के लिए। ये एक डिसिप्लिन फॉलो किया था और कुछ नहीं किया था। तो ये जो अमाउंट थी, मैं अमाउंट भी आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितनी अमाउंट पे उसकी 10 करोड़ की वेल्थ बनी, वो भी हम देख लेते हैं। 10,000 रुपये उसने रखे थे 20 साल के लिए, याद है, ये इसका सिंपल स्टार्टिंग था और उसका 1 करोड़ बना हुआ था, ये रहा। तो उसने टोटल अपनी लाइफ में सिर्फ 24 लाख डाले, राइट। पर वो 24 लाख के हो गए कितने हो गए बताए, 10 करोड़, ठीक है ना। अभी हमने देखा ना, 24 लाख के 10 करोड़ हो गए, समझो कितना परसेंटेज ये रिटर्न हुआ अपनी लाइफ में। और बंदे ने कुछ नहीं किया, सिंपल एक डिसिप्लिन फॉलो किया। अब आप में से आर्ग्यू करेंगे कि सर काफी लोग तो 10,000 महीने कैसे सेव कर सकते। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, अपने यहाँ पे 5,000 तो डाल सकते हैं। 5,000 मैंने डाले तो 20 साल में वो अमाउंट हो जाएगी 49, 46, तो करीबन 50 लाख में उसको मान लेता हूं। अब ये 50 लाख रुपए हैं, वो अगर वन टाइम वो इन्वेस्ट करे 50, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और वो 10 साल तक इन्वेस्ट करे तो कितना हो जाएगा, आ गया वो 1 करोड़ 65 लाख के आजू बाजू। और वही पैसा अगर वो 20 साल तक ना छुए, चलो यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, तो 5 करोड़, 5 करोड़ 44 लाख। तो जो बंदा 10,000 सेव कर रहा था उसको करीबन 10 करोड़ के ऊपर मिल रहा था, तो आपको क्या मिल रहा है, 5 करोड़ के आसपास मिल रहा है। चलो वो नहीं करना है, मंथली 2,500 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो, चलो वो देखना है कि वो क्या कर लेता है आपके। मंथली 2,500 इन्वेस्ट किए मैंने, ठीक है, वो भी 20 साल के लिए, तो मेरे पास कितना आया, 25 लाख, करीबन 25 लाख रुपए आए, ठीक है। अगर मैं ऐसे बंदों की बात कर रहा हूँ कि जो सिर्फ इतना ही सेव कर सकते हैं, 25 लाख को मैंने उठाया, यहाँ पे डाला मैंने, 25 लाख को 20 साल तक रखा, तो भी मेरे पास 2.72 करोड़ हो जाएंगे, जो कि अगर एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास में यहाँ से आ रहे हो और बस 2,500 ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो भी आप करोड़पति बन जाओगे। अब सबसे पहले तो ज्यादातर लोग ये क्यों नहीं कर पाते, ज्यादातर लोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सबसे पहले तो ऐसा सिखाया गया है कि सैलरी ही बेस्ट है, इंक्रीमेंट ही बेस्ट है, दूसरा हमें सिखाया गया है कि सेविंग ही बेस्ट है, दूसरा हमें सिखाया गया है कि स्टॉक मार्केट को दुनिया की सबसे बुरी चीज है, तीसरा हमारे में से कितने लोगों में 20 साल का पेशेंस है कि वो एक पर्टिकुलर प्लान फॉलो करेगा कि कोई बात नहीं, मैं मिनिमम 5,000 तो सेव करूंगा, मिनिमम 2,500 तो सेव करूंगा, ठीक है। ये मतलब 2,500 सेव करने के बाद भी मेरे पास 2.72 करोड़ आ रहे हैं, एक डिसिप्लिन हमको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है हमको। तो ये होता है कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, के इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट आपको मिलता है। दुनिया की एक रियलिटी है, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो कंपाउंडिंग का यूज जानते हैं और एक जो कंपाउंडिंग के विक्टिम बनते हैं। या तो हम अपना फायदा उठाएंगे या लोग हमसे उनका फायदा करवा लेंगे। मार्केट में चाहे आपको देखो, काफी लोगों का नेगेटिव व्यू पॉइंट क्या होता है कि इतना पैसा कमा के क्या करना है, हम तो मिडिल क्लास से खुश है। वही लोगों को मैंने पैसा मांगते हुए देखा है, वही लोगों को मैंने जब बड़े बड़े खर्चे आते हो ना तो उनको प्रॉब्लम में फंसते हुए देखा है। तो ये सोच है ना कि ज्यादा पैसा का क्या करना है, करोड़पति बन के क्या करेंगे, वेल्थ कमा के क्या करेंगे, ये बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, ये अनप्रोडक्टिव थिंकिंग है। मैं समझ रहा हूँ, मैंने उसी उन्हीं लोगों को लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में जाते हुए देखा हुआ, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं म्यूचुअल फंड को इतना प्रीफर नहीं करता, ये मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल ओपिनियन है, पर आप करना चाहते हो तो दैट इज ओके। स्टॉक मार्केट में मैं आपको 3-4 ऑप्शन देता हूँ। देखो सबसे पहले तो कि हम ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैंने काफी सारे वीडियो बनाए। फिर मैं आपको एक ट्रेडिंग का एग्जाम्पल दूंगा कि ट्रेडिंग से भी आप कितनी बड़ी वेल्थ कमा सकते हो, जो आपको पता ही नहीं है कैसा हो सकता है, ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक में से कैसे वेल्थ बन सकती है वो भी हम चेक करने की ट्राई करेंगे, और दूसरी एक दो चीज़ें हम देखेंगे जैसे कि म्यूचुअल फंड ये जो भी है, और दूसरे ऑप्शंस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तीन चार चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक एक्सेल सीट है मेरे पास, अगर आपको याद हो तो थोड़े महीने पहले एक मैंने वीडियो डाला था कि मेरा और भावेश भाई का टोटल 50 लाख का एक हमने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है ऑप्शन ट्रेडिंग का, और वो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम एकदम सेफ स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, निफ्टी में वो स्ट्रेटेजी ऑप्शन में एस्टैब्लिश करते हैं और एकदम कंजर्वेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैंने इसमें रिपोर्ट किया था कि हम आसानी से मंथली 2.5% रिटर्न कमा रहे हैं और ईयरली हम 30% रिटर्न कमा रहे हैं। अब मुझे ना काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि सर ईयरली 30% ये तो बहुत कम नहीं है, ईयरली 30% ठीक है, लोगों को ईयरली 100% चाहिए, 400% चाहिए, ठीक है। ये भी देखो काफ़ी सारी बार डायरेक्शनल ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में इवन मंथली 25% भी पॉसिबल होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये पोर्टफोलियो में क्या है बहुत कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो हमने बनाया, बहुत सेफ बनाया है, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 30% मिलता रहे। अब 20-25 लाख का पोर्टफोलियो है राइट, ठीक है, तो सोचो कि अगर मैं इस पोर्टफोलियो को उठाऊ नहीं, ये कैपिटल की शायद मुझे ज़रूरत मेरी लाइफ में ना पड़े, टच वुड, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एनुअली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, एनुअली आप सिर्फ 30% कमा रहे हो आपके कैपिटल का, जो काफ़ी लोगों को बहुत कम लग रहा है कि 30% एनुअली, ठीक है, और इसका कंपाउंडिंग का मैजिक आपको पता ही नहीं, आप स्टडी ही नहीं किए हो। देखो क्या हो रहा है, देखो मैंने 25 लाख से स्टार्ट किया, 10 साल बाद मेरे पास कितने होंगे, 3.4 करोड़ के ऊपर कैपिटल हो जाएगी 10 साल में। बस 10 साल तक मेरे को वेट करना है तो मैं 3.4 करोड़ कैपिटल बना लूंगा, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा रुका तो 15 साल में मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 12 करोड़, 25 लाख के 12 करोड़ मेरे हो गए सिर्फ 30%। अब देखना, अब आगे जाएंगे ना तो क्या होता है वो देखना कि 20 साल में 47 करोड़ हो जाएगी। मैंने शुरुआत कितने से की थी, 25 लाख की कैपिटल से, मैंने कुछ नहीं किया, एकदम सेफ स्ट्रेटेजी डाली, 30% रिटर्न देती रहे, पर तो 47 करोड़ तक मैं पहुंच गया। अभी आगे जाओ तो नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो मैं नहीं जा रहा। अब इसमें चैलेंजेस क्या आती है, सबसे पहले जितना बड़ा फंड होता जाएगा ना उसको मैनेज करने में ऑप्शन में भी चैलेंज आती है, तो वो भी एक अलग चैलेंज है कि जो हमको आइडेंटिफाई करनी है। चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती, पर आप चीज़ देखो कि जब हम कंपाउंड ये रिटर्न लेना शुरू करते हैं ना, तब इनिशियली काफ़ी लोग स्किप क्यों कर देते हैं पता है, मैं बताता हूँ। देखो मैं फिर से ये कैलकुलेटर में जा रहा हूँ, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कि मंथली, अब क्या होगा बताए कि जो बंदा मंथली 10,000 भी कर रहा है ना, उसको कुछ कुछ साल तक तो रिटर्न दिखेगा ही नहीं ये ग्राफ में, उसको लगेगा मेरी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। प्रोग्रेस हमेशा लास्ट में कंपाउंडिंग का रिटर्न इतना देते हैं कि पूरी दुनिया को हम बीट कर सकते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए कि जब भी मैंने यहाँ से 25 लाख से स्टार्ट किया तो मुझे पहले 5 साल में तो ऐसा लगेगा कि मैं क्या कमा रहा हूँ यार, कुछ नहीं कमा रहा। इसलिए ज़्यादातर लोग पहले 5 साल और 10 साल में ही इन्वेस्टमेंट का गोल टाटा बाय बाय कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग रिटर्न किस तरह से जनरेट होता है। वो हमेशा हमारे आखिरी साल होते हैं ना, उसमें ग्राफ इस तरह से बढ़ता है कि जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। देखो ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, ग्राफ की गैप देखो, गैप सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही है, लास्ट के कुछ साल में, वहीं से हमारी वेल्थ बनती है। तो 1 करोड़ बनाने में कोई बंदा 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो 1 करोड़ बनाने में 20 साल लग गए, पर 1 करोड़ से 3 करोड़ बनाने में सिर्फ 10 साल लगे, और 3 करोड़ से 10 बनाने में सिर्फ अगले 10 साल लगे। हमेशा लाइफ का जो पहला 50 लाख होता है ना कैपिटल, और पहला 1 करोड़ होता है ना, वही सबसे डिफिकल्ट होता है, यही काफ़ी लोग अचीव नहीं कर पाते। उसके बाद जर्नी एकदम सिंपल हो जाती है, पैसा ही पैसे को बना लेता है। तो आपकी लाइफ की जर्नी का पहला गोल क्या होना चाहिए कि आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो छोटा मोटा, तो आप उस तरह से प्लान आउट करो कि पहले 50 लाख और पहले 1 करोड़ की कैपिटल आप अच्छी तरह से बना लो, बाद की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया कि 2500 वाला बंदा भी कर सकता है, हमने अपने 2500 वाला भी बंदा कर सकता है। मैं यहाँ पे हर एक बंदे के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। किसी के पास लमसम अमाउंट है तो अभी से 5-10 लाख डाल दो,
और उसको देखो मत, तो भी आप कर सकते हो। मैं काफी सारी जगह मेरे पर्सनल लाइफ के लिए वही कर रहा हूँ। दूसरा कि म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट प्लान में जाओ, कहीं पे भी जाओ, एक्सपेंस आपको बहुत नड़ते हैं, और वो एक्सपेंड है ना, कंपाउंडिंग होके आपको नड़ते हैं। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, निफ्टी बीज है, माफेंग है, नेटफीड है, ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे ETF है। तो वो ETF में अगर आप हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कम से कम आपको 12% एवरेज रिटर्न लॉन्ग टाइम के लिए तो मिनिमम मिल जाएगी, मिनिमम की मैं आपको बात कर रहा हूँ। और कभी भी आप विड्रॉ और कभी भी आप बाई सेल ब्रोकर के अकाउंट में से ही कर सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे कि कोई एक अच्छा सा स्टॉक हो, जैसे कि नई कंपनी हो, अच्छा सा ग्रोथ करे हो, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड जैसा एक कोई स्टॉक हो, ठीक है, जैसे डीमार्ट जैसा कोई स्टॉक हो। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ कि अच्छी कंपनियाँ हो, अच्छे बिजनेस हो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि एशियन पेंट्स, ठीक है। तो ये सब कंपनियों के बिजनेस बहुत अच्छे हैं, तो अगर उसमें मैंने हर महीने कुछ इन्वेस्ट करना चालू किया और वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 20-25 साल तक, तो भी मेरे को जो रिटर्न मिलेगा ना वो बहुत बड़ी मेरी वेल्थ बना देगा। यही चीज़ हम स्कूल में 5th या तो 6th स्टैंडर्ड में सीखे होते हैं पर कभी इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हम ज़्यादातर सेविंग पे फोकस करते हैं, स्टॉक मार्केट को नेगेटिव बोल के हट जाते हैं। स्टॉक मार्केट में आप ETF में पैसा डालो, आप स्टॉक में पैसा डालो, कि आप ट्रेडिंग करके समझो। अब मैं बात करता हूँ कि ट्रेडिंग की, काफ़ी लोग इंट्राडे करते हैं, काफ़ी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। समझ लो कि किसी के पास, आपके पास 1 लाख कैपिटल है, पर आप ये कैपिटल ऐसे ही रखो कि आपको इसको छूना ही नहीं है, और आपने आप है ना उसमें एनुअली मतलब पर ईयर कुछ टारगेट करो, कि मंथली एग्रेसिव रिटर्न भूल जाओ। आप टारगेट करो कि भाई मैं एनुअली 30% या एनुअली 40% मेरी कैपिटल अप्रिशिएट करूंगा, बस बात खत्म। मुझे पता है कि इंट्राडे में तो पर मंथ अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे कैपिटल साइड में रखो कि जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पर्सनल लाइफ में ज़रूरत नहीं है उस तरीके से। तो यहाँ पे मैं डालू ना कि कोई बंदे के पास 25 लाख नहीं है, अगर आप 1 लाख की कैपिटल पे भी अगर आप रिटर्न कमा सकते हो ना, तो भी आपको 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। फिर अगले 15 साल देखो, अगले 20 साल देखो। ऑलरेडी मैं 1 करोड़ टच कर रहा हूँ, मैं 1 लाख की कैपिटल पे, 1 लाख की कैपिटल पे फिक्स फर्क कितना है। और अगर कोई बंदा मानता है कि नहीं यहाँ पे 40% डाल सकता हूँ, 50% डाल सकता हूँ, तो भी आप लाइफ में बहुत अच्छी वेल्थ कमा लोगे। प्रॉब्लम क्या होता है काफ़ी सारे लोगों का, कि हम उस तरह से कभी नहीं सोचते कि भैया मैं 2 लाख रुपये का अलग कैपिटल रख लूँ या 1 लाख रुपये का अलग कैपिटल रखूँ, इसमें कुछ सेफ स्ट्रेटेजी यूज करके लॉन्ग टर्म बेसिस को उसको मुझे छूना ही नहीं है, उसको ग्रो होने दो। तो हम अच्छी तरह से वेल्थ के रोड पे माइग्रेट हो सकते हैं, जो काफी लोग ये प्लान आउट नहीं करते। हम में से कितने सारे ट्रेडर है कि जिसकी कोई कैपिटल है, हम पैसा यूज कर डालते हैं, खर्च कर डालते हैं, हमारी जिंदगी की काफी सारी जरूरत होती है। पर ट्राई करो कि कुछ अलग फंड यूज करो, उसमें से इंट्राडे करो कि ऑप्शन करो, पर उसको छुओ नहीं अगले 10 साल 20 साल 25 साल के लिए, तब देखो। फिर बाद में एक मोड़ क्या आएगा कि शायद बाद में आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं, वही कैपिटल रख के अब लॉन्ग टर्म के लिए ये ETF वगैरह में डाल दोगे, तो वही आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, फ्यूचर लायबिलिटी, वेल्थ, सब कुछ आपका वही जनरेट कर देगी। मुझे कई बार क्वेश्चन आते थे, मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग जो चीज़ होती है ना, ट्रेडिंग उसको अच्छी तरह से प्लान के साथ यूज करो ना, तो वो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग भी निकाल देगी, फ्यूचर लायबिलिटी भी आपका निकाल देगी, और आपकी वेल्थ भी क्रिएट कर सकती है, अगर आप उसको कंपाउंडली उसको ग्रो होने दो, कंपाउंड इंटरेस्ट में। पर ये काफ़ी सारे लोग करते नहीं है, या तो मानते नहीं है, या तो उनको पता नहीं होता है, तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसीलिए जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती है ना, उनके इंटरेस्ट रेट देख लो, वो अगर लेट पेमेंट होता है, आपको ज़्यादा पेस करना होता है, उनका इंटरेस्ट रेट 2-5% नहीं होता, 20% से लेके 40% तक वेरा ही होता है। वो हमें कैलकुलेट करना नहीं आता है, हमको ऐसा लगता है कि क्या 2-5%, 8% होता है, पर हकीकत में वो हमारे पास से वो 20-40% ले जाते हैं। इसलिए दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी बिजनेस करती है। सोचो कि हर एक बंदा 30 दिन में या तो 40 दिन की साइकिल में पैसा पे कर देगा, तो उनका क्या फ़ायदा। इनका बिजनेस उन 5% 10% लोगों पे टिका हुआ है, कि जो पेमेंट मिस करेंगे, पेमेंट कर नहीं पाएंगे, इंटरेस्ट पेमेंट देंगे, वो इंटरेस्ट पेमेंट 20% टू 40% वेराई होता है,
क्रेडिट कार्ड के डेप में बंदा एक बार फंसता है ना तो बहुत बहुत टाइम लगता है उसको बाहर आने में, क्योंकि हम किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और वो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। तो हमारी लाइफ में हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट सीख के हम अपने आप को माहिर बनाए, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट कोई और सीख के हमारा कोई फायदा उठा जाएगा। और होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, FD में पैसा लगाते हैं, कुछ अलग अलग जो सेफ स्कीम है उसमें पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट से डरते हैं, बिजनेस से डरते हैं, ऐसा होता है हमारे साथ। ठीक है, मैंने बिजनेस का इसलिए नहीं बोला क्योंकि बिजनेस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने का कुछ मीनिंग ही नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादातर फोकस दिया स्टॉक मार्केट का। हमारे पास दो ऑप्शन है, स्टॉक मार्केट और बिजनेस, पर आपको ट्राई करना पड़ेगा। आपको एक प्रॉब्लम यही होता है ना कि जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली स्टार्ट करो। क्या होता है पता है, सबसे पहले फाइनेंशियल नॉलेज नहीं देता हमको, स्कूल नहीं देती, पेरेंट्स नहीं देता, फिर ये इन्वेस्टमेंट की हैबिट नहीं होती हमें। अगर सोचो कि अगर आपको ये सब नॉलेज जब आप 20 साल के होते तभी मिल जाते, तो 25 साल के होते तभी मिल जाता, तो आप काफ़ी जल्दी ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हो। जब तक आपकी 40-45 आएगी तब आप 1-2 करोड़ बना चुके होंगे और बाद की लाइफ तो बहुत अच्छी जाएगी। और हो सकता है कि अगर आप ट्रेडिंग में माहिर बन गए तो अराउंड 35-38 भी आप काफ़ी सारा पैसा बना लोगे अच्छी तरह से, प्रोवाइडेड कि ये आपको नॉलेज हो, प्रोवाइडेड कि आपने चीज़ें एक्शन में रखी हुई, तो हो सकता है। ठीक है, दूसरा एक गूगल रिसर्च कर लेना, काफ़ी सारे ऐसे केस स्टडी पड़े हुए हैं कि अगर आपने इन्फोसिस में 20 साल से पैसा लगाया होता तो विप्रो में कुछ पैसा डाल के भूल गए होते तो करोड़ों की वेल्थ बन जाती है। प्रॉब्लम यही होता है, मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट है ना वो टारगेट पे नहीं चलता। अगर बिजनेस मॉडल कोई भी स्टॉक का अच्छा है, आपने एनालिसिस किया है, तो पैसे डाल के भूल जाओ। हर 3 महीने में, हर 6 महीने में गिरावट आएगी, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ आएंगे, पर कोई भी अच्छे स्टॉक में भी आपने लमसम पैसा डाल दिया और वो आप 20 साल के लिए भूल गए तो भी आप बहुत 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 बहुत, यही फॉर्मूला होता है। फिर आप कितना एक्सेसिव में एनालिसिस करो, कितना फॉर्मूला स्टडी करो, ऐसा नहीं होता। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि लोग है ना ऐसी अच्छी कंपनी में पैसा डाल के भूल गए, घर में भूल गए, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन को पता चला कि यार 20 साल से तो 25 साल से तो ये कंपनी में इन्वेस्ट किया था पापा ने, या तो उनको पता चलता है खुद, तब देखना तो वेल्थ करोड़ों में जा चुकी होती है, 50 करोड़, 100 करोड़, ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल इंडिया में सामने आए। तो वही होता है कि अच्छे बिजनेस मॉडल का चयन करो, कुछ लमसम पैसा हो तो डाल दो और अगले 20-25 साल के लिए भूल जाओ अगर आपको लग रहा है कि वो बिजनेस बहुत अच्छा है तो। अंडर वैल्यूड देखो, फिर क्या होता है बताए, हम लोग किस चीज़ के पीछे पाके बढ़ते हैं, पेनी स्टॉक्स, मल्टी बैगर स्टॉक, हमको ऐसा लगता है कि हम 2 साल में, हम 4 साल में हमको करोड़पति बनना है, हमको बहुत बड़ी वेल्थ बना लेनी है। ये तो बहुत बहुत एक्सट्रीम लक का काम हुआ कि आपका लक मतलब करोड़ों लोगों से भी ज़्यादा आपका लक चल रहा है, नॉलेज इसमें काम का ही नहीं रहा, इस तरह से आपको वेल्थ बनानी है ना तो। ठीक है, कोई भी, इसलिए अगर आप ETF फॉलो करो या आप ट्रेडिंग से आप पैसा बनाने का या तो फ्यूचर सिक्योर करने का सोच रहे हो या तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, मेन चीज़ ये है कि पेशेंस चाहिए और आपके पास एक प्लान होना चाहिए। फिर आप जितने फॉर्मूला लगा लो, जितनी एक्सेल सीट डाउनलोड कर लो, जितने किसी और के वीडियो, ये कुछ आपके लाइफ में चेंज नहीं करने वाला है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की स्टार्ट की, जितना हो सके उतना जल्दी आप अपनी लाइफ में भी ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल या व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करते रहना, मुझे आपको क्वेश्चन पूछते रहना, और लंबी रेस में आपको आगे बढ़ना है, लंबी रेस का घोड़ा बन के टिकना है तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट विजिट कर लो या तो ऐप डाउनलोड कर लो। नए लोगों के लिए 1-1.5 लाख रुपए के कोर्सेज मैंने फ्री रखे हुए हैं, बाद में आपको उसी वेबसाइट में ऑप्शन इंट्राडे, ऑप्शन पोजिशनल, खाली इंट्राडे, कमोडिटी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सबकी स्ट्रेटेजीज वगैरह, एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ मैंने दिया हुआ है। पर मेरा जो अप्रोच है वो कोचिंग का, मैं शॉर्टकट्स, टिप्स, कॉल्स में बिलीव नहीं करता। ठीक है, लॉन्ग टर्म में हमको आगे आना है, मैं वही बिलीव करता हूँ। तो वेबसाइट और ऐप भी डाउनलोड कर लेना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे साथ जुड़ जाना, नो नीड टू वरी अबाउट इट। यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।